नमस्कार, मैं अर्षी राजपूत और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम हैं त्रिनगर विधानसभा के शकरपुर क्षेत्र में और हम यहाँ पे जैसे सरकार वादे करती है कि घर घर जाकर हम अपनी हर सेवा लोगों तक पहुँचाएंगे, तो यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं कितना फ़ायदा मिल रहा है, किन चीज़ों की समस्याएं होती है। तो यहाँ के लोगों से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, ये उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या बस यही है दिक्कत क्या? अभी थोड़ा बहुत पहले का माहौल बढ़िया था यहाँ पे, अब थोड़ा बहुत माहौल बिगड़ गया यहाँ का, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि बस ये लाइटों वाइटों के यहाँ पे पार्कों में दिक्कत है थोड़ी सी, और उसके बाद हाँ जैसे कि जो यहाँ पे पानी आता है, पानी जैसे आम आदमी पार्टी है वो बोलती है कि पानी हम पहुँचवाते हैं घर घर तक, हर सेवा पहुँचाते हैं, तो कितनी आपको लगता है कितना सेवा अब तक पहुँच रही है? नहीं अभी तो हमेशा से शुरू से तो अभी तक ठीक ही रहा, लेकिन क्या है कि अभी थोड़े दिन से ये जो पानी का शायद केमिकल के जरिए से थोड़ी पानी में दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से पानी अभी थोड़े अभी लगभग हफ्ता 10 दिन से थोड़ी पानी दिक्कत नहीं, तो पानी में कोई कमी तो हुई नहीं। बिजली है, बिजली तो हमेशा रहती, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी यहाँ पे घूम के आए, हम ये एरिया कवर कर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे गली गली में कारखाने खुले हुए हैं, तो वो किसकी परमिशन से है क्या? नहीं, विदाउट परमिशन क्या है ये, कोई परमिशन नहीं है इसमें, यहाँ तो अलाउड भी नहीं है इसके लिए, कोई तो फैक्ट्री के लिए कि भाई यहाँ कोई फैक्ट्री चले, तो यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ कारखाने भी चलते हैं, मुश्किल है। लेकिन कहीं अब तो बंद हो गया है, लोग हटा भी दिए, लेकिन अब शायद एक आध है फैक्ट्री जो चल रही है। लेकिन जो ये एरिया है यहाँ पे मेन दिक्कत लोगों को ज्यादातर किस चीज से रहती है, मतलब पानी की समस्या ज्यादा रहती है या ये जो यहाँ पे पार्क ये बन रहा है ये अभी प्रोसेस में है, ये अभी पूरा बनेगा या बन रहा है? ये प्रोसेसर में चल रहा है, अभी काम भी चालू इनका चल ही रहा है, अभी रेगुलर काम हो रहा है, अभी भी काम हो रहा है, इसमें काम रुका तो है नहीं इसमें, जब टूटा था शुरू से अभी तक काम हो रहा है। जो विधायक है प्रीति तोमर, उनके यहाँ पे लोगों को मतलब कितना वो सपोर्ट करती है लोगों को यहाँ पर? सपोर्ट करते हैं लोग, अच्छे से करते हैं। हाँ जी, अच्छे से करते हैं। हाँ जी, पर जो मेन दिक्कत आप बता रहे हैं यही है कि यहाँ पे लाइटें नहीं है। लाइट नहीं, लाइट तो रहती है यहाँ, तो लाइट जाती नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से जो ये हाँ पार्कों की लाइटें नहीं है, अभी वो जो काम होने लग गया तो पार्कों की लाइट काफी टाइम से पहले। जो यहाँ का यहाँ पे जो एरिया यहाँ का माहौल कैसा है, जैसे गुंडागर्दी हो गई इस टाइप से कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है लड़के छड़के नए आज यंग लड़के हैं, बस थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ बच्चों के वजह कर, बाकी तो अल्लाह के करम में कोई दिक्कत है नहीं, सब ठीक है बाकी। तो आप ऐसा कुछ ऐसा बदलाव चाहेंगे यहाँ पे कि जो और एरिया में आपको लगाओ 5 सालों में कुछ अलग हो गया यहाँ पर? बढ़िया होना ही चाहिए, तो मैं क्या, और सब कोई चाहेगा कि बढ़िया हो, इससे बेहतर हो, है ना। हाँ जी जी। अंकल आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? नहीं, समस्या आप सारी अक्सर भाई ने बता दी है, बाकी तो हमारे नज़र में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब ठीक है यहाँ, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। तो आपको ये नहीं लगता कि और एरिया के हिसाब से यहाँ पर कुछ बदलाव होना चाहिए, ये कि इस चीज़ पे काम होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब है? ऐसा कोई खराब नहीं है, ठीक ही चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है, ठीक है, अच्छा भी नहीं चल रहा है, मतलब ये है यहाँ का अपने विधायक बहुत बढ़िया है, काम करवाते हैं और फिर अच्छा। समय तो जो सरकार वादे करती है कि लोगों तक हम घर घर सेवा पहुँचाएंगे, क्या घर घर तक आपको लग रहा है कि सेवा सरकार की पहुँच रही है? अब ये तो सेवा देखो, अब ये राशन वगैरह मिलता है लोगों को, काफी मदद मिल रही है इसके लिए, राहत अच्छी मिल रही है इनको। जो यहाँ पे राशन मिलता है क्या वो टाइम पे मिल जाता है लोगों को? टाइम पे मिल रहा है, टाइम पे मिलता है। नहीं बराबर था ये जी, पहले कोई इतना बदलाव नहीं आया, इतना बदलाव कुछ खास बदलाव देखने के लिए नहीं, खास कोई बदलाव नहीं, पहले जैसा कुछ अलग हो गया हो? नहीं, पहले जैसा माहौल है जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मेन समस्या किस चीज़ की है? मैं समस्या तो ये पार्कों में लाइट जी, लाइट और गंदे पड़े हुए, बस यही समस्या। मतलब पार्क की सफाई होती नहीं है यहाँ? नहीं, जो MCD की गाड़ी वगैरह है, कूड़ा वगैरह टाइम पर उठता है? नहीं, सफाई जो कूड़ा इसमें पड़ा रहता है, कभी कभी आते हैं सफाई करने के लिए जी, बाकी फटाफट यहाँ पे बच्चे लोग जो ना जल्दी गंदा कर देते हैं। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पे लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पे मेन समस्या लाइटिंग की है, पार्क गंदे रहते हैं, थोड़ी पानी की भी है थोड़ी बहुत, या जो सरकार के द्वारा स्कीमें लाई जाती हैं कितनी लोगों तक पहुँच पाती हैं या नहीं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव, मैं सिराज पूत कैमरा पर्सन विशाल के साथ।